हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर शांतनु भार्गव और आप देख रहे हैं भार्गव बायोलॉजी क्लासेस। यहाँ पर हम पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है किंगडम एनिमेलिया या एनिमल किंगडम। व्हेन यू लुक अराउंड यू विल ऑब्जर्व डिफरेंट एनिमल्स विद डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फॉर्म्स। जब आप अपने चारों ओर देखते हैं तो हम डिफरेंट एनिमल्स को, डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्म को ऑब्जर्व करते हैं। एज ओवर ए मिलियन स्पीसीज ऑफ एनिमल्स हैव बीन डिस्क्राइब टिल नाउ, द नीड फॉर क्लासिफिकेशन बिकम्स ऑल द मोर इम्पोर्टेंट। अब तक लगभग मिलियन से भी ज्यादा अधिक एनिमल स्पीसीज को डिस्क्राइब किया जा चुका है, अतः क्लासिफिकेशन इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर हम क्लासिफिकेशन को नहीं पढ़ेंगे तो इतनी ज्यादा डायवर्सिटी को हम स्टडी कैसे कर पाएंगे। द क्लासिफिकेशन ऑल्सो हेल्प इन असाइनिंग ए सिस्टमेटिक पोजिशन टू न्यूली डिस्क्राइब स्पीसीज। इसलिए जो क्लासिफिकेशन है वो न्यूली डिस्कवर्ड स्पीसीज को एक सिस्टमेटिक पोजीशन पर रखने में मदद करता है। आगे हम बात करते हैं बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस इन स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ डिफरेंट एनिमल्स, देयर आर फंडामेंटल फीचर्स कॉमन टू वेरियस इंडिविजुअल्स इन रिलेशन टू द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न्स ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जो एनिमल्स में स्ट्रक्चर और फॉर्म में डिफरेंस है उसके अलावा उनमें अरेंजमेंट ऑफ सेल, बॉडी सिमेट्री, नेचर ऑफ सीलोम, पैटर्न ऑफ डाइजेस्टिव, सर्कुलेटरी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में फंडामेंटल सिमिलरिटी पाई जाती है। ओके, दीज फीचर्स आर यूज्ड एज द बेसिस ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, और इन्हीं फीचर्स को हम एनिमल क्लासिफिकेशन का आधार मानते हैं। इनमें से कुछ को यहां पर डिस्कस किया जा रहा है। आइए देखते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, दो ऑल मेंबर्स ऑफ एनिमेलिया आर मल्टी सेलुलर, ऑल ऑफ देम डू नॉट एग्जिबिट द सेम पैटर्न ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल। एनिमल्स में स्ट्रक्चर, सॉरी यहां पे हम बात करते हैं लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो एनिमल किंगडम है उसके सभी मेंबर्स के कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और सभी में सेम पैटर्न्स के सेल ऑर्गेनाइजेशन नहीं होते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल इन स्पॉन्जेस द सेल्स आर अरेंज्ड एज लूज सेल एग्रीगेट्स। जैसे अगर हम स्पॉन्जेस की बात करते हैं तो वहां पर सेल्स लूजली अरेंज होते हैं, और कैसा ऑर्गेनाइजेशन शो करेंगे, वो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सम डिविजन्स ऑफ लेवर अकर अमंग द सेल्स, उनमें से कुछ सेल्स के अंदर जो डिविजन ऑफ लेवर है वो भी हमको देखने को मिलता है। इन सीलेंट्रेट्स द अरेंजमेंट ऑफ सेल्स इज मोर कॉम्प्लेक्स। ये जो सीलेंट्रेट्स है इनमें अरेंजमेंट ऑफ सेल्स है वो ज्यादा कॉम्प्लेक्स है देन पोरीफेरा। हियर द सेल परफॉर्मिंग द सेम फंक्शन आर अरेंज्ड इनटू टिश्यू। यहां पर जो सेल्स सेम फंक्शंस करते हैं उनको हमने टिश्यू में अरेंज कर दिया गया है, हेंस कॉल्ड टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसलिए सीलेंट्रेट में जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा मिलेगा, हमको टिश्यू लेवल का मिलेगा। ये स्टिल हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज ऑर्गन लेवल इज एग्जिबिटेड बाय मेंबर्स ऑफ प्लेटिहेलमिंथीज एंड अदर हायर फाइला वेयर टिश्यू आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। यहाँ पर वो क्या कह रहा है, जो प्लेटिहेलमिंथीज हैं और उसके जो हायर फाइला है उनमें टिश्यू आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे कहने का मतलब ये जो प्लेटिहेलमिंथीज है उनमें ऑर्गन लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलता है। इनमें से हर एक ऑर्गन एक स्पेशल काम के लिए स्पेसिफिक हो गया है। अगर हम बात करेंगे एनिमल जैसे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा एंड कॉर्डेटा, यहाँ पर क्या होता है, जो सारे के सारे ऑर्गन्स हैं वो आपस में एसोसिएट होके एक स्पेसिफिक फिजियोलॉजिकल फंक्शंस करते हैं। इस लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गन सिस्टम्स इन डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग पैटर्न की कॉम्प्लेक्सिटी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो डाइजेस्टिव सिस्टम है प्लेटिहेलमिंथीज का, और उसमें केवल सिंगल ओपनिंग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, माउथ भी कहते हैं, एनस कहते हैं। मतलब जब किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, खास करके वो प्लेटिहेलमिंथीज की बात कर रहा है, उसमें एक ही ओपनिंग है, वो
एनस की तरह भी काम कर रहा है और माउथ की तरह भी काम करता है। इस टाइप के बॉडी प्लान को हम बोलते हैं ब्लाइंड सैक प्लान बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो कैसा है, इनकम्प्लीट है, यानी उसमें केवल एक ही ओपनिंग है। और जहां पर कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वहां पर टू ओपनिंग्स होती हैं, एक माउथ होता है और एक एनस होता है, ठीक है। तो ऐसे ही हम सर्कुलेटरी सिस्टम की भी बात करते हैं, ये भी दो टाइप का हो सकता है। पहला होता है ओपन टाइप, इसमें हार्ट जिस ब्लड को पंप करता है वो उस ब्लड में जो बॉडी के सेल्स और टिश्यू वो डायरेक्टली बात करते हैं, यानी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहते हैं। यानी जब ब्लड के कॉन्टेक्ट में बॉडी के सेल्स डायरेक्टली रहेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, ओपन टाइप। दूसरा क्या है अपना, क्लोज टाइप, इसमें जो ब्लड है वो सीरीज ऑफ ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है और ये ब्लड वेसल्स अलग अलग डायमीटर की होती हैं, जैसे कि आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। और क्लोज टाइप में क्या होता है, जो बॉडी के सेल्स हैं या टिश्यू है वो कभी भी ब्लड के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं। आगे हम बात करते हैं सिमेट्री की, ठीक है। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री, यानी एनिमल्स को भी सिमेट्री के आधार पर कैटेगराइज्ड किया जा सकता है। स्पॉन्जेस आर मोस्टली असिमेट्रिकल, जो स्पॉन्जेस है वो मोस्टली कैसे होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं। असिमेट्रिकल का मतलब क्या होता है, इनको किसी भी प्लेन से जो कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरता है कभी भी टू इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ओके। लेकिन दूसरा सिमेट्री क्या अपना, रेडियल सिमेट्री, जो कि किसमें मिलता है, सिलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स एंड इकाइनोडर्मेटा में। तो रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म को हम किसी भी प्लेन से जो कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरता है उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और तीसरा है एनिमल जैसे एनिलिडा, ऑर्थोपोडा और उसके आगे भी जो हायर फाइलम्स हैं उन सब में कौन सा है, बाइलेटरल सिमेट्री है। इनमें क्या होता है, बॉडी को केवल एक ही प्लेन से कट करने पर दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। मैं अगर शॉर्ट में बोलूं आपको, एसिमेट्रिकल मतलब जब बॉडी को किसी भी एंगल से कट करने पर कभी भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता उसको बोलते हैं असिमेट्रिकल। रेडियल में क्या होगा, जब किसी भी ऑर्गेनिज्म को किसी भी एंगल से जो कि सेंट्रल एक्सिस से पास होता है दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है उसको बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। और बाइलेटरल में क्या होता है, केवल एक ही प्लेन से जो कि सेंट्रल एक्सिस से गुजरता है और उसको हम दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं लेफ्ट और राइट, उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्री। आगे हम बात करते हैं डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन, एनिमल्स इन विच द सेल्स आर अरेंज्ड इन टू एम्ब्रियोनिक लेयर्स, एन एक्सटर्नल एक्टोडर्म एंड इंटरनल एंडोडर्म इज कॉल्ड डिप्लोब्लास्टिक। जब किसी एम्ब्रियो में जो सेल्स हैं वो दो लेयर्स में अरेंज हो जाते हैं, एक्सटर्नल को हम बोलते हैं एक्टोडर्म और इंटरनल को बोलते हैं एंडोडर्म, इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सीलेंट्रेट्स। और यहां पर एक अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर भी होती है जिसको हम बोलते हैं मीजोगिलिया, जो कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में अरेंज हो जाता है। वो एनिमल्स जिनमें जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें थर्ड जर्मिनल लेयर मीजोडर्म भी बन जाता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। तो जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स होते हैं वो प्लेटी एलिमेंटी से लेके कॉर्डेट्स तक मिलते हैं, ओके। आगे हम बात करते हैं सीलोम की, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ए कैविटी बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द गट वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन क्लासिफिकेशन। यहाँ पर वो सीलोम के बारे में बात कर रहा है, जो हमारा बॉडी वॉल है और जो हमारा गट है मतलब एलिमेंट्री कैनाल है उसके बीच में जो कैविटी है उसको हम बोलते हैं सीलोम। द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेजोडर्म इज कॉल्ड सीलोम, जो बॉडी कैविटी मेजोडर्म से लाइंड होती है उसको हम बोलते हैं सीलोम। एनिमल जिसके अंदर सीलोम मिलता है उसको हम बोलते हैं सीलोमेट्स। इसके एग्जाम्पल्स हैं एनिलिडा, मोलस्का, ऑर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यहाँ पर इस डायग्राम में दिखाया हुआ है ये जो बीच में स्पेस है ये लगातार किससे लाइन हुआ है, मेजोडर्म। ये रेड वाला भी क्या है, मेजोडर्म। ये रेड वाला भी क्या है, मेजोडर्म। और ये गट है, ये जो बीच का पार्ट है ये मेजोडर्म के बीच का पार्ट, इसको हम बोलते हैं सीलोम। सम एनिमल्स द बॉडी कैविटी इज नॉट लाइंड बाय मेजोडर्म, इंस्टेड द मेजोडर्म इज प्रेजेंट एज स्कैटर्ड पाउचेस इन बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, सच ए बॉडी कैविटी इज कॉल्ड सीलोसीलोम एंड द एनिमल पॉजेजिंग देम आर कॉल्ड सीडोसिलोमेट। वो यहाँ पे क्या कह रहा है कि कुछ एनिमल्स में जो ये बॉडी कैविटी है वो लगातार मीजोडर्म से लाइन नहीं रहती है, जबकि उसमें मीजोडर्म स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में रहता है। देखो
यहाँ पर एक पाउच ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर एक पाउच ये दिख रहा है। तो ये जो सिलोम है इसको बोलते हैं स्यूडो सिलोम, ओके। और जिनमें स्यूडो सिलोम मिलता है उसको हम बोलते हैं स्यूडो सिलोमेट। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा, एस्के एलिमेंथीज, द एनिमल्स इन विच द बॉडी कैविटी इज एब्सेंट आर कॉल्ड अ सिलोमेट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, प्लेटी एलिमेंथीज, जिन एनिमल्स के अंदर बॉडी कैविटी है ही नहीं, एब्सेंट, उसको हम बोलते हैं अ सिलोमेट। इसका एग्जाम्पल क्या है, प्लेटी एलिमेंथीज। इस डायग्राम को आप देखो तो ये अपना एलिमेंट्री कैनाल है, तो यहाँ पर कोई आपको स्पेस दिख रहा है मीजोजम के अंदर क्या, नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर कोई ब्लैंक स्पेस नहीं है, कोई कैविटी नहीं है, इसलिए किसको रिप्रेजेंट करता है, आसिलोमेट को, ओके? आगे हम बात करते हैं सेगमेंटेशन की। इन सम एनिमल्स द बॉडी इज एक्सटर्नली एंड इंटरनली डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। यहां पर वो क्या कहता है, कुछ एनिमल्स में जो बॉडी है वो एक्सटर्नली और इंटरनली सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहता है, और ये जो सेगमेंट्स हैं इनको बोलते हैं मेटामियर। एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, उसमें कुछ जो ऑर्गन्स है उसका रिपीटेशन भी मिलता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल अगर देखेंगे सेगमेंटेशन का तो क्या है, अर्थवर्म, ओके। तो अर्थवर्म में क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, या इसी को हम बोलते हैं मेटामेरिज। आगे हम बात करते हैं नोटोकॉर्ड की। तो नोटोकॉर्ड क्या, एक मेसोडर्मली ड्राइव्ड स्ट्रक्चर जो रॉड जैसी दिखती है, और ये हमारे बॉडी के डॉर्सल सरफेस पर बनता है ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जिन एनिमल्स में नोटोकॉर्ड होती है उसको बोलते हैं कॉर्डेटा, और जिनमें नोटोकॉर्ड नहीं होती है उसको हम बोलते हैं नॉन कॉर्डेट, जैसे कि पोरीफेरा एंड इकाइनोडर्मेटा। आगे हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो जो एनिमल्स का क्लासिफिकेशन है वो जो अभी जो चीजें बताई गई उनके आधार पर ही किया गया है। ये चार्ट हम यहाँ पर देखते हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर किंगडम है, ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पर सिमेट्री, यहाँ पर बॉडी कैविटी है, यहाँ सीलोम है, और लास्ट में क्या है, फाइलम है। तो जो एनिमल्स हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। इनमें पहला क्या है, अपना सेलुलर लेवल है ऑर्गेनाइजेशन का, इसमें आता है फाइलम पोरीफेरा। दूसरा जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है हमारा, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें सिमेट्री दो टाइप की, रेडियल सिमेट्री जिसमें आ जाएगा फाइलम सिलेंट्रेटा जिसको हम बोलते हैं निडेरिया, दूसरा आ जाएगा टीनोफोरा। इसमें जो दूसरी सिमेट्री वो क्या है, बाइलेट्रल, ठीक है। इसमें भी तीन टाइप की बॉडी कैविटी में पॉइंट्स बनेंगे, विदाउट बॉडी कैविटी को हम बोलेंगे आसिलोमेट, इसमें आ जाएगा फाइलम प्लेटी एलिमेंथीज। विथ फॉल्सिलोम यानी सीडो सिलोमेट, इसमें आ जाएगा फाइलम एस्के एलिमेंथीज। और तीसरा हमारा है विथ ट्रू सिलोम यानी सिलोमेट्स, इसमें आएंगे फाइलम एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। यहाँ पर आप देख सकते हो इकाइनोडर्मेटा में एक स्टार वाला पॉइंट लगा हुआ है, तो यहाँ पर आपको क्या लगेगा, इकाइनोडर्मेटा किसमें आ गया, बाइलेट्रल में आ गया, जबकि ये एनसीईआरटी वाला इसी इकाइनोडर्मेटा को किसमें डाल देता है, रेडियल सिमेट्री में। तो इस पॉइंट को मैं हाईलाइट करने की कोशिश करता हूँ। इकाइनोडर्मेटा एग्जिबिट रेडियल और बाइलेट्रल सिमेट्री डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, यानी जो इकाइनोडर्मेटा है उसमें दोनों टाइप की सिमेट्री होती है, रेडियल भी और बाइलेट्रल। इकाइनोडर्मेट का जो लार्वा होता है वो बाइलेट्रल सिमेट्री करता है, उसी को हम बोलते हैं प्राइमरी सिमेट्री। प्राइमरी सिमेट्री को ही क्लासिफिकेशन में इंक्लूड किया जाता है, इसलिए इकाइनोडर्मेटा को किसमें रखा गया है, बाइलेट्रल वाले ग्रुप में रखा गया है। लेकिन इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है, एडल्ट में जो सिमेट्री है वो कहलाती है सेकेंडरी सिमेट्री, और सेकेंडरी सिमेट्री को टैक्सोनॉमी फॉलो नहीं करती है, लेकिन क्वेश्चन जब भी आएगा तो हमको एडल्ट सिमेट्री को ही फॉलो करना है। तो इकाइनोडर्मेटा का जो एडल्ट है उसमें रेडियल सिमेट्री होती है, तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि इकाइनोडर्मेटा में सिमेट्री कैसी होती है, आपको जवाब क्या देना है, रेडियल, क्योंकि आपको एडल्ट मान के चलना है। अगर वो पूछेगा लार्वा या एम्ब्रियो ऑफ इकाइनोडर्मेटा तो उसकी सिमेट्री कैसे हो जाएगी, बाइलेट्रल, ओके। यहाँ पर हम डिफरेंट फाइला के जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स है उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो पहले हम पढ़ते हैं फाइलम पोरीफेरा। पोरी का मतलब होता है पोर्स और फेरा मतलब होता है ट्यूबियर, यानी इनकी जो बॉडी है वो परफोरेटेड होती है, इनमें छिद्रित होते हैं। देखो ये आपको बॉडी दिख रहा है ना, इसमें से पोर्स दिखते हैं, इसी नाम पर इसका नाम क्या रखा गया, पोरीफेरा। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नॉन एज स्पॉन्जेज। इस फाइलम के जो मेंबर्स है उसको कॉमनली हम क्या बोलते हैं, स्पॉन्ज बोलते हैं। ये जनरली मरीन होते हैं यानी समंदर के पानी में रहते हैं, और मोस्टली कैसे होते हैं, असिमेट्रिकल होते हैं।
ये बहुत ही प्रिमिटिव मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, सेलुलर लेवल का होता है। स्पॉन्जेस में वाटर ट्रांसपोर्ट और कैनाल सिस्टम मिलता है। इसमें क्या होता है, जो वाटर होता है ये माइन्यूट पोर्स जो कि इसकी बॉडी वॉल में होते हैं उसके माध्यम से ये सेंट्रल कैविटी जिसको बोलते हैं स्पॉन्जोसील उसमें एंटर करता है और वहां से एक सिंगल ओपनिंग होता है, लार्ज ओपनिंग ऑस्कुलम, वहां से ये बाहर निकलता है। यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ये सारे जो माइन्यूट पोर्स है उसको हम क्या बोलेंगे, ऑस्टिया, और जो अंदर कैविटी होगा वो क्या होगा इसका स्पॉन्जोसील। तो ऑस्टिया से पानी एंटर करेगा यहाँ पर और ऑस्कुलम से बाहर निकल जाएगा, सेम यहाँ पर एंटर करेगा और यहां से ये बाहर निकल जाएगा। ओके, ये जो पाथवे है कैनाल सिस्टम का ये क्या काम करता है, दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट इज हेल्पफुल इन फूड गैदरिंग, फूड को गैदर करने में हेल्प करता है, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज को भी करता है और रिमूवल ऑफ वेस्ट यानी वेस्ट को रिमूव करने में मदद करता है। यानी जो तीनों फंक्शन होगा ये किसके होगा, इसके कैनाल सिस्टम के। क्वाइनोसाइट्स और कॉलर सेल्स लाइन द स्पॉन्जोसील एंड द कैनाल्स। इसके जो क्वाइनोसाइट्स हैं जिसको हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, ये इसकी कैविटी स्पॉन्जोसील और कैनाल्स को लाइनिंग करते हैं, उसको अस्तरित करते हैं। डाइजेशन कैसा होता है इसमें, इंट्रा सेलुलर होता है लाइक दैट ऑफ प्रोटोजोआ। इसकी जो बॉडी है उसको सपोर्ट किससे मिलता है, स्केलेटन जो कि क्या का बना होता है, स्पीक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। यहाँ पर जो सेक्सेज हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट, यानी दोनों सेक्स एक ही बॉडी के अंदर होते हैं उसको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल या मोनोसियस। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो एग्स और स्पर्म है वो सेम बॉडी के अंदर या सेम इंडिविजुअल के अंदर बनेंगे। जो स्पॉन्जेज हैं वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं किसके थ्रू, फ्रेगमेंटेशन के द्वारा, और जो सेक्सुअली है वो काय के थ्रू करते हैं, ये गैमिट फॉर्मेशन के द्वारा। तो सेक्सुअली को आप क्या बोल सकते हो, सिनगैमी। ओके, फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसमें, इंटरनल होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का होता है जहां पर लार्वल स्टेज मिलती है, और कहीं पर भी अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट लिखा है मतलब वहां पर लार्वा नहीं मिलता है, वो डायरेक्ट यंग वंस को बर्थ देते हैं। इसका जो लार्वा है वो मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम द एडल्ट, यानी इसका लार्वा अलग होता है मॉर्फोलॉजिकली, क्योंकि इसका एडल्ट कैसा होता है, सेसाइल होते हैं, सेडेंटरी होते हैं, बट इसका जो लार्वा होता है वो फ्री स्विमिंग होता है, वो घूम सकता है, और लार्वा के फ्री स्विमिंग होने की वजह से ही ये स्प्रेड होते हैं समंदर के अंदर। यहाँ पर इसके एग्जांपल्स की हम बात करते हैं, साइकोन जिसको साइफा बोलते हैं, दूसरा स्पॉन्जिला इसको बोलते हैं फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, तीसरा यू स्पॉन्जिया इसको हम बोलते हैं बाथ स्पॉन्ज, क्योंकि टर्की में इसको नहाने में इस्तेमाल करते हैं तो उसको टर्कीज बाथ स्पॉन्ज भी बोला जाता है। नेक्स्ट फाइलम है हमारा सीलेंट्रेटा या निडेरिया। तो सीलेंट्रेटा का मतलब होता है, सीलेंट मतलब होता है गट या कैविटी, और निडेरिया से मतलब क्या लिया गया है इसका, जिसमें नीडोब्लास्ट सेल्स होते हैं। दे आर एक्वेटिक मोस्टली मरैन सेसाइल और फ्री स्विमिंग रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स। ये जो फाइलम सीलेंट्रेट के मेंबर्स हैं ये सभी के सभी कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरैन होते हैं समंदर में रहते हैं, सेसल मतलब ये समंदर की तली से अटैच्ड रहते हैं, और कुछ कैसे होते हैं फ्री स्विमिंग। यहाँ पे सेसल से मतलब क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप सी एनिमोन देख सकते हो, और जो फ्री स्विमिंग है उससे क्या मतलब हो जाएगा, जेलीफिश से। इसकी जो सिमेट्री है वो रेडियल होती है। ओके, इसका जो नाम निडेरिया है उसका डेरिवेशन कहां से हुआ है, नीडोब्लास्ट और नीडोसाइट सेल से। ये जो सेल्स हैं इनको बोलते हैं नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स, इन्हीं से ये यहां से इसमें हिप्नोटॉक्सिन पॉइजन का फॉर्मेशन होता है और यहां से जहर बाहर निकलता है, मतलब इन्हीं से ये जेलीफिश हमको काटते हैं। ठीक है, अब जो इसमें नीडोब्लास्ट है या नीडोसाइट्स हैं उनमें एक स्टिंजिंग कैप्सूल होता है नेमेटोसाइट, और ये उसके टेंटिकल्स और बॉडी पर होते हैं, कुल मिला के इन्हीं से ये काटने का काम करता है, डंक मारने का काम करता है। नीडोब्लास्ट का जो यूज है वो किस किस में करते हैं, ये एंकरेज मतलब किसी चीज को पकड़ने में, डिफेंस में रक्षा करने में, और फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे, और किसी भी प्रे को कैप्चर करने में मतलब शिकार को पकड़ने में। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। ये जो निडेरियंस हैं इनमें जो ऑर्गेनाइजेशन है वो टिश्यू लेवल का होता है, और बॉडी कैसी होती है इनकी, डिप्लोब्लास्टिक होती है। इनकी जो सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है
उसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको बोलते हैं माउथ, जो कि हाइपोस्टोम पर लोकेटेड रहता है। अगर हम इसके डाइजेशन की बात करते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है और इंट्रा सेलुलर भी होता है। कुछ निडिडियंस में क्या होता है, जैसे कि कोरल्स, उनमें स्केलेटल सिस्टम होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और यही जो कोरल्स का कैल्शियम कार्बोनेट का एक्सोस्केलेटन है, ये कहीं पर रीफ बनाता है, कहीं पर कोरल आइलैंड बनाता है, जैसे भारत में लक्षद्वीप, मालदीव, बहुत सारे हवाईयन आइलैंड ऑफ अमेरिका, ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया, वो सब कोरल आइलैंड और रीफ के एग्जाम्पल्स होते हैं। नेडेरियंस बेसिकली टू टाइप के लाइफ फॉर्म शो करते हैं, एक होता है पॉलिप, दूसरा होता है मेडुसा। इसमें जो पहला वाला है पॉलिप, वो कैसा होता है, सैसाल, यानी ये समंदर की तली से अटैच रहता है, नॉन मोटाइल रहता है और सिलेंड्रिकल होता है, इसका एग्जाम्पल हाइड्रा और एडम्सिया। जबकि जो इसका दूसरा फॉर्म है जिसको हम बोलते हैं मेडुसा, ये कैसा होता है, अम्ब्रेला शेप्ड होता है और फ्री स्विमिंग होता है, इसका एग्जाम्पल है ऑरेलिया या जेलीफिश। कुछ निडेरियंस में दोनों फॉर्म्स रहते हैं, पॉलिप भी रहता है और मेडुसा रहता है, उसको हम बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब मेटाजेनेसिस। इसमें क्या होता है, जो पॉलिप है वो प्रोड्यूस करता है मेडुसा को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा, और जो मेडुसा है वो प्रोड्यूस करता है पॉलिप को सेक्सुअली रिप्रोडक्शन द्वारा। और जो मेटाजेनेसिस का एग्जाम्पल है वो है ओवेलिया, इसके एग्जाम्पल है फाइसेलिया, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, दूसरा है एडम्सिया, सी एनीमोन, तीसरा है पेनाटोला, सी पेन, चौथा अपना गॉर्गोनिया, सी फैन, और लास्ट है इसका मेंड्रिना, मतलब ब्रेन कोरल। आगे हम बात करते हैं तीसरे फाइलम की, फाइलम टीनोफोरा। ये 100% कैसा होता है, सिलेंटेड जैसा होता है, बस इसमें नीडोब्लास्ट सेल्स नहीं होते हैं। तो स्टार्टिंग में इस फाइलम को भी सिलेंटेटा में ही रखा गया, लेकिन बाद में इसमें स्टिंगिंग ऑर्गन नहीं होता है, मतलब ये काटता नहीं, इसमें जहर नहीं होता है, तो उसको निकाल के एक अलग फाइलम बना दिया गया है। तो जो टीनोफोर्स होते हैं वो कॉमनली क्या कहलाते हैं, सी वॉलनट या कॉम जेलीज, और ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन, सिर्फ समंदर में ही मिलते हैं। इनकी सिमेट्री भी कैसी होगी, रेडियल सिमेट्री होगी, डिप्लोब्लास्टिक होंगे, और इनमें भी टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। इनके बॉडी पर 8 सीलिएटेड कॉम प्लेट्स होते हैं, उनकी रोज होती हैं। देखो यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो जो 8 सीलिएटेड एक्सटर्नल रोज ऑफ कॉम प्लेट्स हैं, ये क्या काम करते हैं, लोकोमोशन में मदद करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसको याद में रखना, ध्यान में रखना। डाइजेशन कैसा होता है, सिलेंटेड जैसा होगा, एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर, और ये क्या है, बायोलुमिनिसेंस को शो करते हैं, यानी जब भी कोई लिविंग लाइट को एमिट करता है, लाइट को निकालता है, उसको हम बोलते हैं बायोलुमिनिसेंस। ठीक है, इसमें सेक्सेस है वो नॉट सेपरेट रहते हैं, मतलब ये भी कैसा होता है, हर्माफ्रोडाइट होता है, यानी बाइसेक्सुअल होता है। रिप्रोडक्शन सिर्फ इसमें सेक्सुअल तरीके से होता है, असेक्सुअल नहीं होता है, तो ये क्वेश्चन भी बनेगा इसमें। इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होगा और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट होगा, मतलब इसमें भी क्या मिलेगा, हमको लार्वा मिलेगा। इसके एग्जांपल है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लेना। फाइलम प्लैटी हेलमिंथीज। प्लैटी का मतलब होता है फ्लैट, हेलमिंथ का मतलब होता है वॉर्म्स, यानी चपटे क्रमी। दे हैव डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी, hence are called flatworm। इनकी बॉडी dorso ventral यानी ऊपर और नीचे से फ्लैट होती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं flatworm। ये mostly कैसे होते हैं, endoparasites होते हैं in animals, animals के अंदर including human also। flatworm की जो symmetry है वो कैसे होती है, bilateral symmetry होती है। ये triploblastic oscillomate होते हैं और इनमें जो level of organization है वो organ level का होता है। जो parasites form है उसमें hooks and suckers होते हैं, उनमें से कुछ न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली बॉडी सरफेस से एब्जॉर्ब करते हैं। यहाँ पर जो ये कहना चाहता है एनसीईआरटी वाला, वो कहना चाहता है टीनिया सोलियम जो न्यूट्रिएंट्स को है वो बॉडी सरफेस से डायरेक्टली एब्जॉर्ब करता है। ओके, स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। इसमें जो ऑस्मो रेगुलेशन और एक्सक्रीशन होता है वो फ्लेम सेल से होता है, तो उसको याद करना आसान है, फ्लैट बॉम फ्लेम सेल्स। इसमें जो सेक्स हैं वो सेपरेट नहीं होते हैं, मतलब ये भी कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी बाइसेक्सुअल होते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इंटरनल होता है, और इनमें जो डेवलपमेंट है वो बहुत सारे लार्वल स्टेज से होता है, इसका मतलब इसमें डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। ओके,
पॉस्टमेसो जो कुछ मेंबर्स हैं जैसे प्लानेरिया, इनमें हाई रीजनरेशन कैपेसिटी मिलती है। अगर हम इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे तो टीनिया जिसको बोलते हैं टैप बॉम, ये इसका फोटो बना हुआ है। दूसरा है फेसियोला लिवर फ्लू, ठीक है, तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो ये लीफ जैसा है लिवर फ्लू, और जो टैप टाइप का है एक फीते के टाइप का है, वो क्या है टैप बॉम है। ओके, नेक्स्ट फाइलम की हम बात करते हैं, फाइलम एस्केलमेंथीज, या इसको बोलते हैं राउंड बॉम। द बॉडी ऑफ द एस्केलमेंथीज इज सर्कुलर इन क्रॉस सेक्शन, हेंस द नेम राउंड बॉम। इनकी जो बॉडी है वो क्रॉस सेक्शन में कैसी होती है, सर्कुलर होती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं राउंड बॉम्स। ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, और ये पैरासाइट्स भी हो सकते हैं इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। राउंड बॉम का जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है ऑर्गन सिस्टम का, और इनकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक और स्यूडोसिलोमेट होते हैं, यानी इसकी जो बॉडी कैविटी है वो स्यूडोसिलोम है, फॉल्स कैविटी है। इसकी जो एलिमेंट्री कैनाल है ये कंप्लीट होती है विथ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स, इसमें एक वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंग्स होता है। और जैसी एलिमेंट्री कैनाल को कंप्लीट बोला है मतलब उसमें दो ओपनिंग होगी, ठीक है। इसमें जो एक्सक्रीटरी ट्यूब होते हैं ये अपने मेटाबॉलिक वेस्ट को एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू बॉडी से बाहर निकालते हैं। इसके सेक्सेस कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब ये डायोसियस होता है। डायोसियस को हम क्या बोल सकते हैं, मेल और फीमेल अलग अलग होते हैं, इनको हम यूनिसेक्सुअल भी बोल सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फीमेल काफी लॉन्ग होती है, जो मेल है वो फीमेल से छोटा होता है और एक एंड पर ट्विस्टेड रहता है। भले ही एनसीईआरटी में लिखा नहीं है पर ये डायग्राम से देखकर क्वेश्चन बनाया जा सकता है। ओके, तो कुल मिलाकर मेल्स और फीमेल्स कैसे होते हैं, डिस्टिंक्ट होते हैं, यानी इनको हम देखकर ही पहचान सकते हैं। फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, इसमें इंटरनल होता है, और जो डेवलपमेंट है वो डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट होगा तो उसमें क्या मिलेंगे आपको, लार्वल स्टेज मिलेगी, और डायरेक्ट लिखने से मतलब यहाँ पर क्या निकालेंगे हम, इनके जो बच्चे होते हैं वो यंग बंस होते हैं वो रिसेम्बल द एडल्ट, यानी उसके जो बच्चे होते हैं वो एडल्ट से बहुत ज्यादा समानता दर्शाते हैं। इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो है एस्केरिस, इसको बोलते हैं राउंड वॉर्म। दूसरा है बूचेरिया, इसको बोलते हैं फिलेरियल वॉर्म, या इसी से हमको एलिफेंटियसिस की बीमारी होती है। ओके, और जो एस्केरिस है वो हमारे इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देता है। अगला है एनसाइलोस्टोमा, इसको बोलते हैं हुक वॉर्म। ओके, आगे हम देखते हैं फाइलम एनिलिडा। दे मे बी एक्वेटिक, यानी ये एक्वेटिक हो सकते हैं, और एक्वेटिक में भी ये मरीन एंड फ्रेश वाटर, यानी समंदर में भी होते हैं और फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं। टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, फ्री लिविंग भी होते हैं, और उनमें से कुछ पैरासाइटिक भी हो सकते हैं। यहाँ पे पैरासाइट से मतलब वो लीच की बात करना चाहता है। इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, ठीक है। इसकी जो सिमेट्री है वो बायलेटरल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक मेटामेरिकली सेगमेंटेड होते हैं, इनमें सीलोम होता है, मतलब ये सीलोमेट होते हैं, ठीक है। इनकी जो बॉडी सरफेस है उस पर कुछ सेगमेंट्स पाए जाते हैं, इन्हीं सेगमेंट्स को हम बोलते हैं मेटामियर। देखो यहाँ पर ये सेगमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना बॉडी पर, ये जो सारे सेगमेंट्स, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट्स या मेटामियर। इसी बेस पर इसका नाम रखा गया है एनिलिडा। एनिलिडा में जो एनुलस है उसका मतलब होता है लिटिल रिंग, यानी इस पर जगह जगह रिंग जैसे बन रहे हैं, इसको हम रिंग बॉम भी बोल सकते हैं। इनकी जो बॉडी है उनमें लॉन्गिट्यूडनल एंड सर्कुलर मसल्स होते हैं जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। ये जो एक्वेटिक एनिलिडा है, यानी पानी में रहने वाले जो एनिलिड्स हैं जैसे कि नेरिस, उसमें लेटरल अपेंडेजेस होते हैं जिसको हम बोलते हैं पैरापोडिया। ये इनकी स्विमिंग में मदद करता है, तैरने में मदद करता है। तो आप नेरिस में यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो साइड में अपेंडेजेस निकले हैं, ये क्या है, इसके पैरापोडिया, और ये इसको तैरने में मदद करते हैं। इसके अंदर क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, और जिसका जो ऑस्मोरेगुलेशन और एक्सक्रीशन है वो नेफ्रिडिया के थ्रू होता है। ओके, एनिलिड्स का जो न्यूरल सिस्टम है वो पेयर्ड गैंग्लियन से मिलके बना होता है, और ये पेयर्ड गैंग्लियन लैटरल नर्व्स के माध्यम से डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड से कनेक्टेड रहते हैं। इनका जो नर्व कॉर्ड है वो, जिसको हम इंसानों में क्या बोलते हैं, स्पाइनल कॉर्ड, तो नॉन कॉर्डेट में उसको हम क्या बोलते हैं, नर्व कॉर्ड। तो एनिलिड्स में जो नर्व कॉर्ड है वो डबल होते हैं और नीचे की तरफ होते हैं और सॉलिड भी होते हैं, ठीक है। नेरिस एन एक्वेटिक फॉर्म इज डायोसियस, जो नेरिस है जो कि एक्वेटिक फॉर्म है ये होता है डायोसियस। डायोसियस मतलब होता है यूनिसेक्सुअल, मतलब इसका मेल और फीमेल
अलग अलग मिलेंगे, लेकिन जो अर्थवर्म और लीच है ये कैसे होते हैं, मोनोसियस यानी हर्माफ्रोडाइट या बाइसेक्सुअल। इसका जो रिप्रोडक्शन है वो कैसा होता है, सेक्सुअल होता है। अब हम एग्जांपल्स देखते हैं इसके, नेरिस इसको क्लेवॉर्म भी बोलते हैं, फायरेटिमा मतलब अर्थवर्म जिसको हम कैचुआ बोलते हैं, हिरुडिनेरिया इसको बोलते हैं ब्लड सकिंग लीच, हिंदी में इसको जॉक बोलते हैं। ओके, आगे हम बात करते हैं फाइलम आर्थ्रोपोडा की, तो आर्थ्रो मतलब होता है जॉइंट्स, पोडा मतलब होता है अपेंडेजेस या लेग्स, यानी इस फाइलम का मतलब ही निकलता है जॉइंटेड लेग्स। देखो जरा, दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमेलिया विच इंक्लूड इंसेक्ट। दुनिया में यानी एनिमल्स में सबसे बड़ा जो फाइलम है वो ऑर्थोपोडा होता है। दुनिया पर पाई जाने वाली जितनी भी स्पीसीज हैं उनमें से 2/3 ऑर्थोपोडा को बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसी ऑर्थोपोडा का जो क्लास है इंसेक्टा, वो दुनिया का सबसे बड़ा क्लास होता है। इनका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो होता है ऑर्गन सिस्टम लेवल का। इनकी जो सिमेट्री है वो बाइलेटरल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड और सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनके बॉडी पर एक हार्ड काइटिनस कवर होता है जिसको बोलते हैं काइटिनस एक्सोस्केलेटन। इसके बॉडी के 3 पार्ट होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, एंड दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस। तो वही इसका मेन फीचर है, जॉइंटेड अपेंडेजेस मतलब ऑर्थोज मतलब जॉइंट और पोडा मतलब अपेंडेजेस। इसी के नाम बेस पर इसका नाम भी क्या रखा गया, ऑर्थोपोडा रखा गया है। इनमें जो रेस्पिरेशन होता है या रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो गिल्स होते हैं, और बुक गिल्स होते हैं एक्वेटिक फॉर्म में, और जो बुक लंग्स और ट्रेकियल सिस्टम होता है वो होता है टेरेस्ट्रियल फॉर्म मतलब जमीन पर रहने वालों में। बुक लंग्स खास करके स्कॉर्पियन बिच्छू में होते हैं, जो बाकी के इंसेक्ट है उसमें ट्रेकियल सिस्टम होता है। इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप होता है, और इसमें जो ब्लड भरा होता है उसको बोलते हैं हीमोलिम्फ। इसके सेंसरी ऑर्गन एंटीनी होते हैं जो सूंघने में हेल्प करते हैं। इसकी जो आंखें हैं वो कंपाउंड और सिंपल दोनों टाइप की होती हैं। इंसेक्ट में कंपाउंड आई होती हैं और बिच्छू में सिंपल आई होती हैं, ठीक है। जो कंपाउंड आई है वो इसको मोजाइक विजन प्रोवाइड करता है। इसके अलावा बैलेंसिंग करने के लिए इसमें क्या होता है, स्टेटोसिस्ट होता है। इसमें जो एक्सक्रीशन होता है वो मेलपिजियन ट्यूबल से होता है, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और ये जो मोस्टली है वो कैसे होते हैं, डायोसियस, डायोसियस मतलब यूनिसेक्सुअल। ओके, फर्टिलाइजेशन जनरली कैसा होता है, इसमें इंटरनल होता है, और मोस्टली जो फॉर्म्स रहते हैं वो ओविपेरस यानी अंडे देने वाले होते हैं। इनमें डेवलपमेंट डायरेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट होता है। इनडायरेक्ट होगा मतलब यहाँ पर लार्वा भी मिलेंगे। कुछ यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। पहला है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट जो हमारे लिए फायदेमंद होते हैं पैसा कमाने में, एपिस मतलब हनी बी मधुमक्खी, बॉम्बिक्स मतलब सिल्क बॉम रेशम का कीड़ा, लेसीफर मतलब लाक इंसेक्ट मतलब लाक का कीड़ा। कुछ वेक्टर्स होते हैं जैसे एनाफ्लिज मॉस्किटो जो हमको मलेरिया फैलाते हैं, क्यूलेक्स ये हमको एलिफेंटियसिस की बीमारी करता है, एडीज इजिप्टी हमको डेंगू करता है। और इसमें जो ग्रेगेरियस पेस्ट यानी जो झुंड में रहते हैं वो है लोकस्टा और लोकस्ट, और इसमें एक लिविंग फॉसिल इसको हम बोलते हैं लिमुलस या किंग क्रैब। कुछ और भी एग्जांपल है, लोकस्ट बटरफ्लाई और स्कॉर्पियन, एक प्रॉन का भी है, प्रॉन को हम बोलते हैं क्रस्टेशियंस यानी एक्वेटिक ऑर्थोपोडा। अब हम बात करते हैं फाइलम मोलस्का। मोलस्का का मतलब होता है सॉफ्ट बॉडीड एनिमल। दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम। ये किंगडम एनिमेलिया का दूसरा सबसे बड़ा फाइलम है। इससे बड़ा कौन सा होता था, फाइलम ऑर्थोपोडा, और इसमें जो क्लास आता है गैस्ट्रोपोडा वो किंगडम एनिमेलिया का दूसरा सबसे बड़ा क्लास है, क्योंकि सबसे बड़ा क्लास क्या था, इंसेक्टा। मोलस्का आर टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक, मरीन और फ्रेश वाटर, हैविंग एन ऑर्गन सिस्टम। आगे हम बात करते हैं, जो मोलस्का है वो टेरेस्ट्रियल होते हैं जमीन पर भी रहते हैं, एक्वेटिक होते हैं पानी में भी रहते हैं, और जो पानी में रहते हैं वो मरीन और फ्रेश वाटर दोनों कंडीशंस में रहते हैं। इनमें जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम का होता है। ये बाइलेटरल सिमेट्री होती है इनके अंदर, ट्रिप्लोब्लास्टिक और ये सिलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनकी बॉडी पर एक कैल्केरियस कवर होता है, और बॉडी कैसी होती है, अनसेगमेंटेड, और इसकी बॉडी के हम डिस्टिंक्ट पार्ट कर सकते हैं। पहला होता है हेड, दूसरा होता है मस्कुलर फुट, एंड तीसरा होता है विसरल हम। सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन फॉर्म्स ए मेंटल ओवर द विसरल हम। विसरल हम के ऊपर एक सॉफ्ट स्पॉन्जी लेयर ऑफ स्किन होती है, उसको हम बोलते हैं मेंटल, और यही मेंटल आगे चल के क्या बनाता है, इसका कैलकेरियस शेल बनाता है, मतलब इनका जो कवर बनाता है। ओके,
द स्पेस बिटवीन द हम्प एंड द मेंटल इज कॉल्ड द मेंटल कैविटी। हम और मेंटल के बीच में जो कैविटी थी उसको बोलते हैं मेंटल कैविटी। इनके बीच में यानी इस कैविटी में एक फेदर लाइक गिल्स होता है जो कि इसमें रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शन करता है, मतलब रेस्पिरेशन भी इसी से होगा और एक्सक्रीशन भी फेदर लाइक गिल्स से ही होता है। एंटीरियर हेड रीजन हैज सेंसरी टेंटिकल्स, इसका जो एंटीरियर हेड रीजन है उसमें सेंसरी टेंटिकल्स होते हैं। इसके माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन होता है फॉर फीडिंग कॉल्ड रेडुला। यानी इसके माउथ में एक फाइल लाइक रेस्पिंग ऑर्गन मतलब खुरसने वाला ऑर्गन होता है, टंग की तरह होता है, जिससे ये फीडिंग में हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं रेडुला। ओके आगे देखो, दे आर यूजुअली डायोसियस, ये जनरली कैसे होते हैं, डायोसियस होते हैं यानी सेक्स अलग अलग होते हैं, यानी ये यूनिसेक्सुअल होते हैं, मेल और फीमेल सेपरेट होते हैं। ये मोस्टली कैसे होते हैं, ओविपेरस होते हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, मतलब इसमें लार्वा मिलता होगा। हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं, पाइला इसको हम बोलते हैं एप्पल स्नेल, दूसरा है पिंक टाडा इसको बोलते हैं पर्लोस्टर जिससे मोती बनाया जाता है, सीपिया इसको बोलते हैं हम कटल फिश, लॉलीगो इसको हम बोलते हैं स्क्विड, ऑक्टोपस को हम बोलते हैं डेविल फिश, एप्लेसिया को हम बोलते हैं सी हेयर, डेंटेलियम को बोलते हैं एलिफेंट टस्क सेल, यहाँ पे लिखा हुआ है सिर्फ टस्क सेल। इसके अलावा कीटो प्लूरा जिसको हम कीटोन बोलते हैं, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किसके होते हैं, फाइलम मोलस्का के। ओके नेक्स्ट फाइलम है हमारा फाइलम इकाइनोडर्मेटा, इकाइनो मतलब यानी इकाइनस मतलब स्पीक्यूल्स यानी कांटे, और डर्मेटा मतलब होता है डर्मा यानी स्किन यानी स्पाइनी स्किन, ये इसका मतलब निकलता है। ओके दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैल्केरियस ऑसिकल्स हैंस नेम्ड इकाइनोडर्मेटा यानी स्पाइनी बॉडीड। तो इनमें जो एंडोस्केलेटन होता है वो कैल्केरियस ऑसिकल्स का बना होता है जिससे इसकी बॉडी कैसी हो जाती है, स्पाइनी, सो कॉल्ड इकाइनोडर्मेटा। आप यहाँ पे फिगर्स में देख सकते हो इसकी बॉडी पर ये स्पाइन्स आपको क्लियर दिखाई दे रहा है। ओके ये ऑल आर मराइन यानी ये मोस्टली नहीं, ये एक्सक्लूसिवली मराइन है, ये सिर्फ समंदर के पानी में ही रहते हैं, और इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो ऑर्गन सिस्टम का होता है। ये जो एडल्ट इकाइनोडर्म्स होते हैं ना उनमें रेडियल सिमेट्री होती है, लेकिन जो लार्वा को अगर देखा जाए तो इकाइनोडर्मेटा के जो लार्वा है ना उसमें बाइलेटरल सिमेट्री होती है। तो जब भी इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा जनरली सिमेट्री का तो आपको रेडियल टिक करना है, अगर क्वेश्चन में लार्वा का नाम आएगा तभी आपको बाइलेटरल सिमेट्री टिक करना है। ओके और ये कैसे होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स होते हैं। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम वो कंप्लीट होता है, कंप्लीट मतलब इसमें माउथ होगा और एक एनस होगा, माउथ इनका लोअर यानी वेंट्रल साइड में होता है और एनस इनका अपर यानी डोर्सल सरफेस पर होता है, यानी माउथ नीचे होता है और एनस ऊपर होता है। इसका जो मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर है इकाइनोडर्मेटा का वो होता है वाटर वेस्कुलर सिस्टम, इसी को हम बोलते हैं अम्बुलेक्रल सिस्टम। अम्बुलेक्रल सिस्टम एनसीईआरटी में लिखा नहीं है बट मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है वो किस चीज में हेल्प करता है, लोकोमोशन में करता है, कैप्चर में करता है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन में करता है। इतने सारे जो फंक्शन मैंने बोले हैं ये किसके हैं, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है और इसके जो सेक्स हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब ये भी कैसा होता है, यूनिसेक्सुअल होता है, रिप्रोडक्शन सेक्सुअल होता है। इसका जो फर्टिलाइजेशन है वो जनरली कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है। अगर हम इसके डेवलपमेंट की बात करते तो इनडायरेक्ट होता है विथ फ्री स्विमिंग लार्वा। ओके आगे हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, तो एग्जाम्पल में क्या है, एस्टेरियस स्टार फिश, दूसरा है एकाइनस इसको बोलते हैं सी अर्चिन, ये राउंडेड होता है, स्फेरिकल होता है और कांटे कांटे लगे रहते हैं। अगला है एंटीडॉन या सी लिली, ये जो वाटर लिली है ना उसकी तरह दिखता है। अगला है कुकुमेरिया, इसको बोलते हैं सी कुकुम्बर। लास्ट है ऑफ्यूरा, ऑफी मतलब होता है सांप, यूरा मतलब होता है टेल, इसको हम बोलते हैं ब्रिटल स्टार। मैं इसके डायग्राम की बात करता हूँ, ये तो आपका स्टार फिश हो गया, ये आपका ऑफ्यूरा है, तो इसकी टेल देखो जरा स्नेक जैसी है कि नहीं, तो ऑफी मतलब स्नेक, यूरा मतलब टेल, यानी स्नेक टेल लाइक। अगर आप इतना हिस्सा देखोगे तो सांप की पूंछ जैसा आपको दिख रहा है, तो ऑफ्यूरा को हम क्या बोलते हैं, ब्रिटल स्टार बोलते हैं। ओके आगे हम देखते हैं फाइलम हेमीकॉर्डेटा, हेमी मतलब होता है आधा, कॉर्डेटा मतलब कॉर्डेट यानी दे आर सेमी कॉर्डेट। तो जो हेमीकॉर्डेटा है उनको शुरुआत में जो फाइलम कॉर्डेटा है उसके सब फाइलम में रखा गया था, लेकिन बाद में इसको सेपरेट फाइलम में
प्लेस कर दिया गया है जिसका नाम रखा गया हेमिकॉर्डेटा, और ये टोटली किसमें आता है, नॉन कॉर्डेट में। इसका नाम भले ही हेमिकॉर्डेटा है बट ये टोटली कैसा 100% नॉन कॉर्डेट है। इसकी वजह इसके माउथ में एक वक्कल डाइवर्टिकुलम होता था स्टोमोकॉर्ड, उसको लोगों ने गलती से नोटोकॉर्ड समझ लिया और इसको हेमिकॉर्डेटा बोल दिया, जबकि ये टोटली क्या होता है, नॉन कॉर्डेट है। ये जो फाइलम है इसमें वॉर्म लाइक मरीन एनिमल्स आते हैं, यानी इसके एग्जाम्पल भी टोटल कहां पर रहते हैं, मरीन कंडीशंस में रहते हैं, मीठे पानी में कोई भी एग्जाम्पल नहीं होता है, फ्रेश वाटर में कोई एग्जाम्पल नहीं मिलेगा। इसका जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम का होता है, सिमेट्री बायलेटरल होती है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल्स होते हैं, उनकी बॉडी है वो सिलेंड्रिकल होती है, आप देख सकते हो बॉडी कैसी इसकी सिलेंड्रिकल है। इसका जो एंटीरियर पार्ट है उसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस, ये क्या रहा प्रोबोसिस, और जो बीच का पार्ट है उसको हम बोलते हैं कॉलर, और जो लास्ट का लॉन्ग पार्ट है उसको हम बोलते हैं ट्रंक, ये दिखा रहा है। तो देखो प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ओके। इसका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन टाइप का होता है, ठीक है, इसमें जो रेस्पिरेशन होता है वो गिल्स के माध्यम से होता है, लेकिन इसके गिल्स होते हैं डॉर्सल इन पोजिशन, जबकि कॉर्डेट्स के गिल्स कैसे होते हैं, लेटरल इन पोजिशन, इतना अंतर है ये दोनों में, ठीक है। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या होते हैं इसमें, प्रोबोसिस ग्लैंड, यानी इसका जो प्रोबोसिस है उसमें ग्लैंड होती है उसको हम बोलते हैं प्रोबोसिस ग्लैंड। एक्चुअली में क्या है, ये सिंगल ग्लोमेरुलस है, बस एनसीईआरटी में लिखा हुआ नहीं है। इनके जो सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, मतलब ये भी कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होता है, और डेवलपमेंट कैसा होता है, इनडायरेक्ट, ओके। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे तो दो एग्जाम्पल दिए गए एनसीईआरटी में, बेलेनोग्लॉसस एंड सैक्कोग्लॉसस। अभी तक हमने पढ़ा था नॉन कॉर्डेट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं कॉर्डेट्स यानी फाइलम कॉर्डेटा। एनिमल्स बिलोंगिंग टू फाइलम कॉर्डेटा आर फंडामेंटली कैरेक्टराइज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ ए नोटोकॉर्ड, ए डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड एंड पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ये जो फाइलम कॉर्डेटा है इसके जो फंडामेंटल कैरेक्टर्स हैं वो क्या होता है, नोटोकॉर्ड होता है, डॉर्सल हॉलो नर्व कॉर्ड होता है, और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पर जो नर्व कॉर्ड है ये ऊपर की तरफ है, डॉर्सल सरफेस पर है, हॉलो भी है, उसके नीचे क्या है, ये नोटोकॉर्ड है, ओके ना। इस नोटोकॉर्ड की वजह से ही हम इसको क्या बोलते हैं, कॉर्डेटा, और यहाँ पर क्या है, ये फेरेंजियल गिल स्लिट्स होते हैं, लास्ट में ये पोस्ट एनल टेल भी है। इसकी सिमेट्री बायलेटरल होती है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोमेट एनिमल्स होते हैं जिनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गन सिस्टम लेवल का होता है, इनमें पोस्ट एनल टेल होता है, और इनका जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो क्लोज टाइप का होता है। अब यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है जिसमें हमको कंपेयर करना है कॉर्डेट्स को नॉन कॉर्डेट से, तो पहले कॉलम में मिलेगा आपको कॉर्डेट्स, दूसरे में मिलेगा आपको नॉन कॉर्डेट्स। तो देखो इसमें नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है जबकि नॉन कॉर्डेट्स में नोटोकॉर्ड अब्सेंट होता है। इसमें देखो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो डॉर्सल हॉलो एंड सिंगल होता है, इसमें जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है वो वेंट्रल सॉलिड एंड डबल होता है। तो ये मेन पॉइंट आप याद रख सकते हो, ठीक है। फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट्स, यानी फेरिंग्स में छिद्र जैसी स्ट्रक्चर होती है, स्लिट्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं गिल स्लिट्स। तो जो कॉर्डेट्स हैं उसमें गिल स्लिट्स होते हैं, लेकिन जो गिल स्लिट्स है वो नॉन कॉर्डेट में अब्सेंट होते हैं। कॉर्डेट का हार्ट वेंट्रल होता है, और जो नॉन कॉर्डेट है उसमें अगर होता है तो डॉर्सल होता है, यानी वैसे तो हार्ट होता ही नहीं है, अगर होता है तो डॉर्सल होगा। कॉर्डेट में देखो फिर से पोस्ट एनल पार्ट टेल इज प्रेजेंट, जबकि नॉन कॉर्डेट में पोस्ट एनल टेल इज अब्सेंट, ओके। आगे हम देखते हैं ये जो फाइलम कॉर्डेटा है इसको थ्री सब फाइलम में डिवाइड किया गया है। पहला है यूरोकॉर्डेटा, इसी को हम बोलते हैं ट्यूनिकेटा, दूसरा है सेफेलोकॉर्डेटा, और तीसरा है वर्टिब्रेटा। तो जो सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा और सेफेलोकॉर्डेटा है इसको मिला के क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉर्डेटा, यानी प्रोटोकॉर्डेट्स इंक्लूड सब फाइलम यूरोकॉर्डेटा एंड सेफेलोकॉर्डेटा, ठीक है। और ये सभी के सभी कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन, केवल ये समंदर के पानी में मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यूरोकॉर्डेटा की, ठीक है। तो यूरो का मतलब होता है टेल, और कॉर्डेटा का मतलब होता है नोटोकॉर्ड, तो नाम से क्लियर है यूरोकॉर्डेटा में जो नोटोकॉर्ड होगा वो लार्वा की टेल रीजन में होगा, ओके। यानी नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट ओनली इन द
टेल रीजन ऑफ लार्वा, जबकि जो सेफेलो कॉर्डेटा है तो उसका मतलब भी आप सोचो, सेफेलो मतलब हेड, कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड। तो जो सेफेलो कॉर्डेट्स होते हैं उनका जो नोटोकॉर्ड है वो एक्सटेंड होता है हेड टू टेल, सिर से लेके टेल तक फैला हुआ रहता है और परसिस्टेंट थ्रू आउट देयर लाइफ, और उनमें जिंदगी भर रहता है, यानी पूरी लाइफ में रहता है। ओके, हम इनके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल है एसिडिया, साल्पा, डोलियोलम। तो इसकी ट्रिक बन सकती है एसी साल दो, साल जो हम जिसको उड़ते हैं ना सर्दियों में, तो यहाँ पर साल को आप सॉल मान सकते हो, तो एसी सॉल दो, ये किसका हो गया, यूरोकॉर्डेटा को याद करने का ट्रिक हो गया। दूसरा है हमारा सब फाइलम कौन सा था, सेफेलोकॉर्डेटा, इसमें एक ही एग्जाम्पल है जिसको हम बोलते हैं ब्रैंकियोस्टोमा या एम्फियोक्सस या लांसलेट। लांसलेट का मतलब होता है दो धार वाली तलवार। आगे हम देखते हैं मेंबर्स ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड। तो जो सब फाइलम वर्टिब्रेटा जिसमें इंसान भी आता है, हमें क्या होता है, जो नोटोकॉर्ड है वो सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में होता है, एम्ब्रियोनिक पीरियड में ही होता है, बाद में ये जो नोटोकॉर्ड है वो एडल्ट में कार्टिलेजनस या बोनी वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस कर दिया जाता है। यानी आज अगर हम देखेंगे तो हमें वर्टिब्रल कॉलम मिलेगा, ठीक है, लेकिन जब हम एम्ब्रियो थे तब हमें क्या मिलता था, नोटोकॉर्ड मिलता था। Thus all vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. इस बेस पर हम कह सकते हैं कि सभी के सभी vertebrates chordates होते हैं, लेकिन सभी chordates vertebrates नहीं हो सकते हैं, ठीक है। अब जो basic characters हैं chordates के, उनके अलावा vertebrate में कुछ और भी character होते हैं, जैसे ventral muscular heart with 2, 3 or 4 chamber, ठीक है। तो इसका जो heart होगा वो muscular होगा और ventral surface पर होगा, ठीक है, और ये 2 चैम्बर का हो सकता है जैसे मछलियां, 3 चैम्बर का होता है जैसे एम्फीबिया रेप्टाइल्स, और 4 चैम्बर का हो सकता है जैसे वर्ड्स एंड मैमल्स। किडनी का काम क्या होता है, एक्सक्रीशन एंड ऑस्मोरेगुलेशन को मेंटेन करना, और इसमें जो पेयर्ड अपेंडेजेस होते हैं या तो ये फिन्स होंगे या फिर लिम्स होंगे, जैसे मछलियों में क्या होते हैं, फिन्स होते हैं, और बाकी सारे कॉर्डेट्स में क्या रहेंगे, वो लिम्स रहेंगे। यहाँ पे एसिडिया का फोटो बना हुआ है आप देख सकते हो, और यहाँ पर देखो ये नोटोकॉर्ड वगैरह सब कुछ दिखाया हुआ है अच्छे से, एक बार एनसीईआरटी में आप लोग देख सकते हैं इसको। आगे यहाँ पे ये चार्ट दिया हुआ है, सब फाइलम वर्टिब्रेटा इज डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग पार्ट्स। तो देखो ये सब फाइलम वर्टिब्रेटा की बात कर रहा हूं मैं, तो इसके सबसे पहले डिविजन हुए दो, एक होता है अग्नेथा, दूसरा होता है ग्नेथोस्टोमेटा। आ मतलब होता है अब्सेंट, ग्नेथा मतलब होता है जॉ, यानी इसमें जॉ अब्सेंट होंगे, और ग्नेथोस्टोमेटा का मतलब क्या होगा, ग्नेथो मतलब होता है जो, इस्टो मतलब होता है माउथ, ओके, यानी इसके माउथ में जो होंगे, जबड़े होंगे, ठीक है। तो इसमें एक ही क्लास आता है साइक्लोस्टोमेटा, जबकि जो ग्नेथोस्टोमेटा है इसमें दो सुपर क्लास आते हैं, पहला आता है पाइसीज, इसमें फिन्स होते हैं, और दूसरा सुपर क्लास आता है टेट्रापोडा, जिसमें लिम्स होते हैं। इस सुपर क्लास पाइसीज की दो क्लासेज होते हैं, कॉन्ट्रिक्थीज एंड ऑस्टिक्थीज, और जो सुपर क्लास टेट्रापोडा है उसके चार क्लास होते हैं, एम्फीबिया रेप्टाइल, एप्स एंड मैमल्स। तो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं डिवीजन अग्नेथा में क्लास साइक्लोस्टोमेटा, ओके। तो देखिए जरा क्लास साइक्लोस्टोमेटा, साइक्लो मतलब होता है सर्कुलर, स्टो मतलब होता है माउथ, यानी इसके नाम से क्लियर है कि इसका माउथ कैसा होगा, सर्कुलर होगा, और दुनिया में जो भी सर्कुलर माउथ होता है वो लगभग सेक्टोरियल होता है, यहां तक कि हम भी अगर बर्फ के गोले को सक करते हैं, चूसते हैं, तो हमको भी अपने माउथ को गोल गोल सर्कुलर बनाना पड़ता है, आप इमेजिन करके देख सकते हो। ऑल लिविंग मेंबर्स ऑफ द क्लास साइक्लोस्टोमेटा आर एक्टोपैरासाइट्स ऑन सम फिशेज। इसके जो मेंबर्स हैं साइक्लोस्टोमेटा के, वो कुछ मछलियों पर एक्टोपैरासाइट्स रहते हैं, ओके। इनकी बॉडी इलोंगेटेड रहती है और उसके अंदर 6 से लेकर 15 पेयर्स गिल स्लिट्स होते हैं, 6 to 15 पेयर्स क्या होते हैं, गिल स्लिट्स होते हैं, जो रेस्पिरेशन में काम में आते हैं, ओके। साइक्लोस्टोम के अंदर सकिंग और सर्कुलर माउथ होता है विदाउट जॉज, यानी ये किसी चीज को मैस्टिकेट नहीं करते हैं, ये सिर्फ सक ही कर सकते हैं क्योंकि इसके माउथ में जॉ होते ही नहीं है, ठीक है। इनमें स्केल्स नहीं होते हैं और पेयर्ड फिन्स नहीं होते हैं। पेयर्ड फिन्स मतलब देखो यहां पर एक आपको दिख रहा है फिन है, तो इसका पेयर में यहां पर है क्या, यहां पर फिन है, यहां पर फिन है क्या, ये मतलब यहां पर, ठीक है ना। तो इसमें पेयर्ड फिन्स नहीं होते और बॉडी पर क्या नहीं होते हैं,
स्केल्स नहीं होते हैं, ठीक है। इनमें जो क्रेनियम है और वर्टिब्रल कॉलम है ये कार्टिलेजनस होता है। क्रेनियम होता है जो स्कल हेड रीजन में होता है उसको बोलते हैं क्रेनियम, ब्रेन बॉक्स, और ये जो वर्टिब्रल कॉलम है जिसको बोलते हैं रीढ़ की हड्डी, ये इसमें कार्टिलेज का बना होता है, जबकि ये दोनों चीजें हमें बोन की बनी हुई है। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा होता है, इसमें क्लोज टाइप होता है, और ये जो साइक्लोस्टोम्स होते हैं ये मरीन होते हैं, तो उसको याद रखना। साइक्लोस्टोमेटा भी कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, लेकिन ये स्पॉनिंग करने के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट करते हैं, यानी अंडे देने के लिए मीठे पानी में जाएंगे और वहां पर ये स्पॉनिंग करके कुछ दिनों में मर जाते हैं, और उनके लार्वा वहां पर मेटामॉर्फोसिस करने के बाद वापस ओशियन में वापस आ जाते हैं। यानी ये जो स्पॉनिंग करते हैं वो मीठे पानी में करेंगे, वहां पर ये मर जाएंगे और उनके जो बच्चे रहेंगे, लार्वा रहेंगे, वो आफ्टर मेटामॉर्फोसिस वापस समंदर में आ जाएंगे, वहां पर अपनी लाइफ जिएंगे, फिर ये एडल्ट हो जाएंगे, ये भी फिर से वहां पर जाएंगे, यही साइकिल इनका चलता रहता है। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, पहला है पेट्रोमाइजोन, इसको बोलते हैं लैम्प्रे। इसकी ट्रिक बन जाएगी कि पेट्रोल डाल के लैम्प को जलाओ तो आपको याद रहेगा पेट्रोमाइजोन को हम क्या बोलते हैं, लैम्प्रे। दूसरा है मिक्सिन, यानी हैगफिश, मुझको हक कर लो, तो यहां से आपको ये ट्रिक मिल जाएगी। ओके, अब हम बात करते हैं सुपर क्लास पाइसिस की। इसमें ट्रू फिशेज आती हैं। सुपर क्लास पाइसिस के अलावा कहीं भी अगर फिश वर्ड लगा है तो वो सब क्या होते हैं, स्यूडो फिश, यानी झूठी मछलियां। ये जो ट्रू फिश हैं वो सिर्फ सुपर क्लास पाइसिस को बिलोंग करते हैं। सुपर क्लास पाइसिस के दो क्लास होते हैं, पहला क्लास होता है कॉन्ट्रैक्टिस और दूसरा होता है ऑस्टिक्थीज। तो पहले हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्टिस। तो मैं यहाँ पे एक आपको बात बता देना चाहता हूँ, यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टिस है, यहाँ पर कॉन्ड्रा का मतलब होता है कार्टिलेज और इक्थीज का मतलब होता है फिश। यानी कोई अगर आपसे पूछेगा स्टडी ऑफ फिश इज कॉल्ड इक्थियोलॉजी, तो नाम से क्लियर मतलब निकलता है कॉन्ड्रिक्थीज मतलब कार्टिलेजनस फिश। ओके, ये कैसे होते हैं, एक्सक्लूसिवली मरीन होते हैं, ये समंदर के पानी में ही रहते हैं, और इनकी बॉडी कैसे होती है, स्ट्रीम लाइंड रहती है, धारा रेखित रहती है, आगे से नुकीली है, बीच में थोड़ा सा ब्रॉड है और पीछे से भी नुकीली है, जिससे पानी की धार को चीरते हुए आगे बढ़ती होगी। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कार्टिलेज का बना होता है, माउथ होता है वो इनका वेंट्रली होता है, नीचे की तरफ होता है। देखो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, आगे की तरफ नहीं है, इनका माउथ नीचे की तरफ है ये, ठीक है। तो माउथ कैसा होता है इनका, वेंट्रली होता है। ओके, इसका जो नोटोकॉर्ड है वो इसमें थ्रो आउट लाइफ रहती है, जिंदगी भर रहती है, और इनके जो गिल स्लिट्स हैं वो सेपरेट रहते हैं। ओके, और इस पर कोई भी गिल कवर नहीं होता है, मतलब ओपरकुलम नहीं रहता है, तो इसके गिल्स आप अगर देखोगे तो यहाँ पर देखो एक्सपोज्ड है, इन पर कोई भी गिल कवर नहीं है। ओके, गिल कवर को हम बोलते हैं ओपरकुलम। स्किन कैसी होती है इनकी, टफ होती है, और यहाँ पर माइन्यूट छोटे छोटे प्लैकॉइड स्केल्स होते हैं। टीथ आर मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, और इसके जो दांत होते हैं वो भी मॉडिफाइड प्लैकॉइड स्केल्स ही होते हैं जो कि पीछे की तरफ डायरेक्टेड रहते हैं। ओके, इनके जॉज जबड़े बहुत ज्यादा पावरफुल रहते हैं, और ये जो एनिमल्स है वो होते हैं प्रीडेसियस मतलब शिकारी प्रवृत्ति के होते हैं। ओके, इसमें एयर ब्लैडर नहीं होता है, जिससे इनको डूबने से बचने के लिए लगातार कॉन्स्टेंटली स्विम करना पड़ता है, तैरना पड़ता है। ओके, इनका जो हार्ट है वो टू चैम्बर्ड होता है, एक ऑरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है। कुछ में से इनमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होते हैं जैसे टॉर्पीडो, और ये लगभग 440 वोल्ट का करंट पैदा करता है। ओके, नेक्स्ट है इसमें कुछ में पॉइजनस स्टिंग होता है, डंक होता है, जैसे कि ट्राइगोन, ठीक। ये भी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड यानी पाइक्लोथर्म्स। इसके जो सेक्स हैं वो भी कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, मतलब मेल और फीमेल डिस्टिंक्ट होते हैं, अलग अलग होते हैं। इनका जो मेल्स होता है उसके पेल्विक फिन्स में एक क्लेस्पर होता है जो कि ह्यूमन के पेनिस की तरह काम करता है। यानी इनका अगर मैं बोलूंगा कि कॉपुलेटरी ऑर्गन है वो क्या रहेगा, क्लेस्पर होगा, तो क्लेस्पर को हम पेनिस के एनालोगस मान सकते हैं। इनका जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होता है, और इनके जो ज्यादातर फॉर्म्स हैं वो विविपेरस होते हैं, बच्चे देते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हुए हैं, स्कॉलियोडॉन जिसको हम बोलते हैं डॉग फिश, प्रिस्टिस जिसको बोलते हैं सॉ फिश मतलब आरा मछली, कार्कैराडॉन को बोलते हैं ग्रेट व्हाइट शार्क, ये सबसे खतरनाक है, टॉप मोस्ट प्रीडेटर होता है, और ट्राइगन होता है इसका स्टिंग रे। यहाँ पर हम कुछ डायग्राम्स को देखते हैं,
ये बेटा देखो आरा मछली है, सॉ फिश है ये, ठीक है। ये स्कॉलियोडॉन है, इसकी सूंघने की शक्ति बहुत ज्यादा होती है। आगे हम देखते हैं क्लास ऑस्टिकथीज। ऑस्टी मतलब क्या होता है? बोन्स, और इक्थिया मतलब होता है फिश, तो नाम से ही मतलब निकलता है ऑस्टिकथीज, ठीक है। ऑस्टिकथीज को हम टीलियोस्ट भी बोलते हैं और बोनी फिश भी बोलते हैं। जबकि हम अगर इसकी बात करेंगे कार्टिलेजनस फिश की, तो हम इसको बोलते हैं कॉन्ड्रिक्थीज, इलास्मोब्रैंकाई या शार्क भी बोलते हैं, ओके। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑस्टिक थीज की। इसके जो मेंबर्स होते हैं ऑस्टिक थीज के, यानी बॉनी फिश के, वो समंदर में भी रहते हैं और फ्रेश वाटर में भी रहते हैं। इनका जो एंडोस्केलेटन है वो बोन का बना होता है। इनकी बॉडी भी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है, देखो ये धारा रेखित होती है, ठीक है। इनका माउथ कैसा होता है? टर्मिनल। अब मैं आपको टर्मिनल माउथ बता रहा हूं, देखो ये माउथ कैसा है? टर्मिनल यानी एंटीरियर, आगे की तरफ होता है, जबकि शार्क में ये नीचे की तरफ होता था, ओके। इसमें फोर पेयर्स गिल्स होते हैं और ये ऊपर कुलम मतलब गिल कवर से कवर्ड होते हैं। तो ऊपर कुलम शार्क में नहीं होता लेकिन बोनी फिश में होता है। और इनमें गिल्स भी कितने होते हैं? फोर पेयर्स होते हैं, ये याद रखने वाला पॉइंट है आपको। इसकी जो स्किन है उस पर भी स्केल्स होते हैं, ये साइक्लॉइड हो सकते हैं, टीनॉइड हो सकते हैं और गैनोइड भी हो सकते हैं। गैनोइड का नाम एनसीईआरटी में नहीं लिखा है। इसमें एयर ब्लैडर होता है जो इसको बाउएंसी को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, नहीं फ्लोट करने में हेल्प करता है। इनका हार्ट भी टू चैम्बर्ड होता है, जिसमें एक ऑरिकल और दूसरा वेंट्रिकल होता है। ये भी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड होते हैं, मतलब पोइक्लोथर्म्स होते हैं। इनमें सेक्स कैसे होते हैं? सेपरेट होते हैं। और इनका फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? एक्सटर्नल, जबकि शार्क का कैसा था? इंटरनल, ओके। और मोस्ट फॉर्म कैसे होते हैं इसमें? ओविपेरस। और डेवलपमेंट कैसा होता है? डायरेक्ट, यानी इसमें कोई भी लार्वा नहीं मिलता है। वैसे भी मछलियों में कोई लार्वा नहीं होता है, सिर्फ एक लैक्टोसेफेलस लार्वा, उसको अगर छोड़ दिया जाए तो मछलियों में कोई लार्वा नहीं होता, नहीं डेवलपमेंट हमेशा डायरेक्ट होता है। इसके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, जो मरीन फिशेज है उसके एग्जाम्पल देखेंगे। पहले एक्सोसीटस, जिसको हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश। हिप्पोकैम्पस, इसको हम बोलते हैं सी हॉर्स। तो यहाँ पर ये हिप्पोकैम्पस का इमेज आपको दिख रहा है, ठीक है। अब कुछ जो फ्रेश वाटर फिश है हम उसकी बात करते हैं। इसमें है लेवियो रोहिता, जिसको हम बोलते हैं रोहू मछली। एक है कतला कतला, जिसको बोलते हैं कतला मछली। एक है क्लेरियस, जिसको बोलते हैं मगर। और जो एक्वेरियम फिशेज हैं उनमें होता है एक बेटा, बेटा को हम बोलते हैं फाइटिंग फिश। और एक होता है टीरोफाइलम, इसको बोलते हैं एंजल फिश, ठीक है। तो यहां पर हमने फिशेज मछलियों के बारे में बात की है। आगे हम देखते हैं क्लास एम्फीविया। एम्फी का मतलब होता है डुअल, बायोस का मतलब होता है लाइफ, मतलब ये डुअल लाइफ जीते हैं, यानी पानी में भी रहते हैं और जमीन पर भी रहते हैं, ओके। तो देखो दे कैन लिव इन एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, ओके। इनमें से जो मोस्ट ऑफ फॉर्म्स हैं उनमें टू पेयर्स ऑफ लिम्स होते हैं और इनकी बॉडी के दो हिस्से होते हैं, हेड एंड ट्रंक। देखो हेड और ट्रंक। टेल कुछ ही केसेस में होता है, जैसे सेलामेंडर में भी टेल मिलता है और जो फ्रॉग का लार्वा होता है टैडपोल, उसमें भी टेल मिलता है। तो टेल में भी प्रेजेंट इन सम केसेस, वो सम केस मतलब वो सेलामेंडर और टैडपोल की बात कर रहा है। एम्फीबियंस की जो स्किन है वो मॉइस्ट रहती है, उस पर स्केल्स नहीं रहते हैं। मॉइस्ट स्किन से क्या फायदा मिलता है इनको आगे चल के? रेस्पिरेशन में मदद होती है। कोई भी स्किन जो मॉइस्ट नहीं होगी वो स्किन से रेस्पिरेशन नहीं कर सकती है। अगर स्किन को रेस्पिरेशन करना है तो उसको मॉइस्ट होना ही पड़ेगा। इनकी जो आंख है उनमें आईलेट्स होते हैं और ईयर कैसे रिप्रेजेंट होता है? इसका टेम्पेनम से होता है, ओके। इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट होता है, वो कॉमनली एक चैम्बर में ओपन होता है, उसको हम बोलते हैं क्लोएका। और ये क्लोएका बॉडी के बाहर ओपन हो जाता है, यानी क्लोएका इन सभी चीजों के लिए एक कॉमन पाथ हो गया। इनमें जो रेस्पिरेशन है वो गिल से भी होता है, लंग से भी होता है, स्किन से भी होता है। तो गिल से मतलब होता है फ्रॉग का लार्वा टैडपोल, वो पानी में ही रहता है, उसमें गिल से होता है। लेकिन जो एडल्ट है वो लंग से भी करता है और स्किन से भी करता है। जब एक्टिवेट कंडीशंस में रहता है तो वो लंग से करता है और जब वो हाइबरनेशन या एस्टिवेशन में रहता है तो वो स्किन से करता है। इनका हार्ट थ्री चैम्बर्ड होता है, टू ऑरिकल्स होते हैं एंड वन वेंट्रिकल होता है, ओके। ये भी कैसे होते हैं? कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स होते हैं। इनके भी सेक्स कैसे हैं? सेपरेट है। और फर्टिलाइजेशन कैसा होता है इसका? एक्सटर्नल होता है। ये ओविपेरस यानी अंडे देने वाले होते हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है इसका? इनडायरेक्ट होता है, मतलब उसमें लार्वा मिलता है। मैंने अभी टेडपोल का नाम लिया था।
अब यहाँ पर एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहला है बुफो, इसको बोलते हैं टोड, इसकी स्किन में जहर होता है। दूसरा है राना टिग्रीना, इसमें स्पीसीज लिखी नहीं है, तो राना टिग्रीना को हम क्या बोलते हैं, फ्रॉग। तो यहाँ पर जो इमेज बनी है ये राना टिग्रीना की है। और हाइला मतलब होता है ट्री फ्रॉग, और सेलामेंडर होता है, सेलामेंडर होता है सेलामेंडर, यहाँ पर भी इसकी इमेज बनी हुई है। एक थियोफिश को हम बोलते हैं लिम्बलेस एम्फीबियंस, ओके। और यहाँ पर ये अपना एम्फीबियंस खत्म होता है। आगे हम बात करते हैं क्लास रेप्टिलिया, यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, कैमिलियन, क्रोकोडिलस, कैलॉन और नाजा, ये फोटो रेप्टाइल्स ग्रुप के होते हैं, इसको आप देख सकते हो। देखिए इसको, द क्लास नेम रिफर्स टू देयर क्रीपिंग और क्रॉलिंग मोड ऑफ लोकोमोशन, ठीक है। तो इसका जो नाम रखा गया रेप्टिलिया, इसका मतलब होता है क्रीपिंग या क्रॉलिंग, यानी ये रेंग कर चलते हैं या सरक कर चलते हैं, इनका लोकोमोशन का जो मोड है वो कैसा रहेगा, क्रीपिंग और क्रॉलिंग। लैटिन वर्ड रिपर या रेप्टम का मतलब होता है क्रीप या क्रॉल, मतलब रेंगना या सरकना। इसलिए आपने जितने भी रेप्टाइल्स देखे होंगे वो सब दौड़ते नहीं है, रेंग कर चलते हैं या फिर सरकते हैं, ओके। मोस्टली कैसे होते हैं, ये टेरेस्ट्रियल होते हैं और इनकी जो बॉडी है वो ड्राई और कॉर्निफाइड होती है, इस पर एपिडर्मल स्केल्स और स्क्यूट्स पाए जाते हैं, ठीक है। इनके अंदर एक्सटर्नल ईयर नहीं होता है, ये इसके जो कान है वो टिम्पेनम से रिप्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इसके जो लिम्स हैं वो टू पेयर्स होते हैं, हार्ट इसका जनरली थ्री चैम्बर्ड होता है, बट जो क्रोकोडाइल है उसमें ये फोर चैम्बर्ड होता है। रेप्टाइल्स पॉइक्लोथम्स होते हैं, मतलब कोल्ड ब्लडेड होते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहूंगा, बर्ड्स और मैमल्स कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड, बाकी दुनिया में सभी कैसे होते हैं, कोल्ड ब्लडेड, लेकिन रेप्टाइल्स में पॉइक्लोथम्स को ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है, ओके। स्नेक्स और जो लिजर्ड होते हैं वो अपने स्केल्स को और स्किन कास्ट को शेड करते हैं, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं मोल्टिंग या एक्टाइसिस। जैसे आपने देखा होगा सांप अपनी ऊपर की जो स्किन है चमड़ी उसको निकालता है, जिसको हम बोलते हैं कैंचली, ठीक है। तो वो कैंचली निकालना मतलब यही है, ये पॉइंट उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके सेक्स होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये अंडे देते हैं, ओविपेरस होते हैं, और डेवलपमेंट कैसा होता है इनमें, डायरेक्ट होता है। यहां पर हम इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं, पहला है कैलॉन यानी टर्टल, ये समुद्री कछुआ होता है। टेस्टुडो या टॉर्टोइस, ये वो कछुआ होता है जो जमीन पर हमें आसपास देखने को मिल जाता है दलदली इलाकों में, ओके। कैमिलियन को बोलते हैं ट्री लिजर्ड, ये पेड़ पर रहता है और अपनी जीभ को लंबा निकाल के शिकार को कैच कर लेता है, ओके। कैलॉट्स, इसको बोलते हैं गार्डन लिजर्ड, ये भी छिपकली की तरह देखता है, इसको भी गिरगिट बोलते हैं, और कैमिलियन को भी हम जनरली गिरगिट ही बोलते हैं। क्रोकोडिलस क्रोकोडाइल, एलिगेटर एलिगेटर है। हेमीडेक्टाइलस को बोलते हैं वॉल लिजर्ड, या जो हमारे घरों में छिपकलियां दिखती हैं वो क्या कहलाती हैं, हेमीडेक्टाइलस, ओके। हम पॉइजनस स्नेक्स की बात करते हैं तो पहला इसमें नाजा कोबरा, जो जिसको हम बोलते हैं नाग, ये फन बनाते हैं, फन फन जितने भी सांप बनाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, कोबरा, ओके। अगला इसमें बंगेरस, इसको हम बोलते हैं करेट या करेत सांप, ये भी जहरीला है। वाइपर, इसको बोलते हैं वाइपर सांप, वाइपेरा को, ओके। तो ये इसके पॉइजनस स्नेक्स हैं। यहाँ पर नॉन पॉइजनस स्नेक के नाम लिखे नहीं है, लेकिन आप अंदाज से कर सकते हो, पाइथन, एनाकेंडा, रेड स्नेक जिसको आप बोलते हो धामिन, ओके। पॉइजनस में भी बहुत कुछ आप जोड़ सकते हो मन से, जैसे कि अपना ब्लैक मांबा हुआ, ग्रीन मांबा हुआ, रेटल स्नेक हुआ, कोरल स्नेक हुए, सी स्नेक हुए, ये बहुत सारे के सारे कैसे होते हैं, बहुत ज्यादा पॉइजनस होते हैं, ओके। आगे हम बात करते हैं क्लास एब्स की, या इसको एबीज भी पढ़ते हैं, इनमें हम पढ़ेंगे बर्ड्स को। तो देखिए, आइए देखते हैं इसको। करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एब्स आर द प्रेजेंस ऑफ फेदर, इनका जो करेक्टरिस्टिक फीचर है बर्ड्स का वो होता है इनमें फेदर का होना, ठीक है। ज्यादातर इसमें से उड़ सकते हैं कुछ को छोड़ के, जैसे कि ऑस्ट्रिच, ऑस्ट्रिच उड़ नहीं सकता है। ऑस्ट्रिच के अलावा और भी कुछ एग्जाम्पल हैं जो फ्लाइटलेस बर्ड्स हैं, लेकिन बाकी के बर्ड्स उड़ सकते हैं, ओके। और ऑस्ट्रिच दुनिया का सबसे बड़ा बर्ड है लिविंग की अगर मैं बात करता हूं तो, और इसका जो अंडा है वो दुनिया की सबसे बड़ी सेल भी होता है। इनके अंदर क्या होता है, बीक होता है, और जो फोर लिम्स हैं वो मॉडिफाइड होकर क्या बन जाते हैं, विंग्स होते हैं, जो इनको उड़ने में मदद करते हैं। इसके जो हिंड लिम्स हैं, पिछले पैर हैं, उन पर जनरली क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, वॉकिंग करते हैं,
स्विमिंग करते हैं और क्लैस्पिंग करते हैं। ठीक है, स्विमिंग से मतलब ऐसे जो एक्वेटिक बर्ड्स होते हैं, ऐसे बदक की बात करूं हम, और ये क्लैस्पिंग मतलब होता है ग्रिपिंग करना या पकड़ना। वॉकिंग मतलब जब भी चिड़िया जमीन पर घूमती है, तो ये पॉइंट का इसका ये मतलब हुआ। स्किन इसकी होती है ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड्स एक्सेप्ट ऑयल ग्लैंड। इसकी स्किन भी कैसे होती है, ड्राई होती है क्योंकि उसमें भी कोई ग्लैंड नहीं होता है, सिर्फ इसमें एक ऑयल ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं प्रीन ग्लैंड। एनसीईआरटी में ये नाम लिखा नहीं है, जो कि उसके टेल के बेस पर रहता है। ओके, मतलब क्लोएका के आसपास रहता है। एंडोस्केलेटन इज फुली ऑसिफाइड, इसका जो एंडोस्केलेटन है वो पूरा का पूरा बोन का बना होता है। इसकी जो लॉन्ग बोन्स है उनमें हॉलो कैविटी रहती है जिसमें एयर भरी होती है। इस वजह से बर्ड्स की बोन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेटिक। इससे क्या फायदा मिलता है इसको, इसका वेट कम हो जाता है और उड़ने में इसको मदद मिलती है। इसका जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है उसमें एडिशनल चैम्बर होते हैं क्रॉप एंड गिजार्ड। क्रॉप में फूड स्टोर होता है और गिजार्ड फूस्ट को ग्राइंडिंग का काम करता है। इसका हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है और ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लड, यानी वार्म ब्लडेड मतलब होमियोथर्मस, ऐसी को बोलते हैं एंडोथर्मस, ऐसी को बोलते हैं आइसोथर्मस। ओके, एग्जांपल्स देखते, अच्छा इसका और भी देखते हैं इसका मतलब क्या है होमियोथर्मस का। ये अपने बॉडी टेम्परेचर को कॉन्स्टेंटली मेंटेन कर पाते हैं। ओके, इनमें जो रेस्पिरेशन है वो लंग्स के थ्रू होता है और लंग्स से एयर सैक कनेक्टेड रहते हैं फॉर सप्लीमेंट रेस्पिरेशन, यानी ये रेस्पिरेशन को पूर्ण करते हैं, पूरक है उसके, उसमें हेल्प करते हैं। सैक्स इनके सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है और ये अंडे देते हैं और डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्ट, मतलब यहाँ पर भी कोई लार्वल कंडीशंस नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर आप कुछ इमेजेस देख सकते हो, ये देखो वल्चर्स है, ये ऑस्ट्रिच है, ये पैरट है और ये पिकॉक है, मोर है। ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल्स, कॉर्वस मतलब होता है क्रो, जिसको हम बोलते हैं कौवा। कोलंबा होता है पिजन, कबूतर। सिटेकुल्ला होता है पैरट, पोपट, तोता जिसको हम बोलते हैं। स्टुतियो को हम बोलते हैं ऑस्ट्रिच, शुतुरमुर्ग। पेबो होता है पिकॉक मतलब मोर। एप्टिनोडाइट्स होता है पेंगुइन, और जो नियोफ्रॉन होता है वो होता है वल्चर्स, जिसको हम बोलते हैं गिद्ध या चील। ओके, आगे हम बात करते हैं क्लास मैमेलिया की। तो मैमा मतलब होता है मैमेरी ग्लैंड, तो जिसके अंदर भी मैमेरी ग्लैंड होते हैं उसको बोलते हैं मैमेलिया या मैमल्स। इसमें देखते हैं दे आर फाउंड इन ए वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स, ये बहुत जगह पाया जाता है जैसे पोलर आइस कैप्स, डेजर्ट्स, माउंटेन्स, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स और डार्क केव्स, जो अंधेरी गुफाएं, उनमें भी ये मिलता है। इनमें से कुछ क्या होते हैं, उड़ने के लिए अडेप्टेड हो जाते हैं, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर बैट, ये मैमल्स है लेकिन ये उड़ सकता है। और कुछ पानी में रहने के लिए मॉडिफाइड हो जाते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ब्लू व्हेल, डॉल्फिन, ओके, सील, वॉलरस, बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टर इज द प्रेजेंस ऑफ मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, मैमेरी ग्लैंड, बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड। मैंने पहले ही बोल दिया इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इसका जो मेन फीचर है वो होता है प्रेजेंस ऑफ मैमेरी ग्लैंड या ब्रेस्ट ग्लैंड, जिससे ये यंग वंस को नरिशमेंट देता है, उसको न्यूट्रिशन देता है, यानी बच्चे माँ का दूध पीते हैं। इनमें दो पेयर लिम्ब्स होते हैं जिससे ये वॉकिंग करता है, रनिंग करता है, क्लाइंबिंग करता है, बरोइंग करता है, स्विमिंग करता है, फ्लाइंग करता है। ठीक है, सबका अलग अलग है, फ्लाइंग में बैट आ जाएगा, स्विमिंग में बत्तख आ जाएगा, बरोइंग में क्या आ जाएगा, मोंगूस आ जाएगा, और बहुत सारे जो होल करके रहते हैं, एंटीटर रहते हैं वो, और क्लाइंबिंग में बंदर आ जाएंगे, चढ़ने में हेल्प करते हैं, रनिंग में हम सब आ जाएंगे, चीता आ जाएगा, वॉकिंग में जो वॉकिंग करते हैं, जनरल सा पॉइंट है ये। ये कंगारू का फोटो है, ये इसका बच्चा है और जिस पाउच के अंदर ये बैठा हुआ है उसको हम बोलते हैं मार्सुपियल पाउच, ये प्लेटीपस है। ओके, आगे देखो, मैमल का जो यूनिक करेक्टर एक और है वो है प्रेजेंस ऑफ हेयर, यानी मैमल्स में ही हेयर्स होते हैं, बाल, और किसी में नहीं होते हैं। जो एक्सटर्नल ईयर्स है वहां पर पिन्ना प्रेजेंट होता है। ओके, और इसके टीथ भी क्या है, डिफरेंट टाइप के होते हैं, इसलिए हम इसके टीथ को बोलते हैं, मैमल्स के टीथ को बोलते हैं हेट्रोडोंट। हार्ट फोर चैम्बर्ड होता है और मैमल्स भी कैसे होते हैं, होमियोथर्मस होते हैं, यानी वार्म ब्लडेड होते हैं। ओके, रेस्पिरेशन इनमें भी कैसा होता है, लंग्स से होता है, सेक्स सेपरेट होते हैं, फर्टिलाइजेशन इंटरनल होता है, और ये मोस्ट फॉर्म कैसे होते हैं, विवीपेरस, यानी ये बच्चे पैदा करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं, यानी जो प्लेटीपस है, ये यहाँ पर जो फोटो बना हुआ है प्लेटीपस का, ये अंडे देता है, इसको बोलते हैं एग लेइंग मैमल्स। ओके, और डेवलपमेंट कैसा है अपना, डायरेक्ट है।
यहाँ पर कुछ हम एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं ओविपेरस के जो अंडे देते हैं, ऑर्निथोरिंकस यानी प्लेटिपस, और जो विवीपेरस है उनमें आएगा मैक्रोपस कंगारू, टीरोपस फ्लाइंग फॉक्स, कैमेलियस कैमर मतलब इसको ऊंट को बोलते हैं, मकाका मंकी को बोलते हैं, रेटस रेट को बोलते हैं, कैनिस डॉग को बोलते हैं, फेलिस कैट को बोलते हैं, एलिफस एलिफेंट को बोलते हैं, इक्कस हॉर्स होता है, डेल्फिनस कॉमन डॉल्फिन होता है, वेलोप्टेरा ब्लू व्हेल होता है, पैंथर टाइगर टाइगर होता है, पैंथर लियो लायन होता है। तो यहाँ पर अपना ये चैप्टर खत्म होता है, आप ये टेबल को देख सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये चैप्टर आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और